उधर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध संबंधों के चलते की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वही फरार चल रहे दो आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने बताया कि मृतक जयपाल और आरोपी महिला साहिबाबाद में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और दोनों के बीच विवाद भी होता रहता था, लेकिन इसी बीच पड़ोस में रहने वाले हत्यारोपी दिनेश का आरोपी सुनीता से लगाव हो गया। इसके बाद दोनों ने जयपाल को रास्ते से अलग करने की योजना बनाई और आनंदगढ़ी के जंगल में ले जाकर गला रेत कर जयपाल की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस दो फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये करप्टर लूज थे, उनके कॉन्टैक्ट गलत थे। अच्छा, मेरे भांजे की घरवाली जो उसके साथ भी इनके कॉन्टैक्ट हो गए थे। इस वजह से मुझे इनकी हत्या करनी पड़ी और इनके साथ मारपीट करते थे। किस तरह से हत्या की? घर से हत्या की। वो हमारे साथ रहते थे, उसको पथरी हो गए थे। अच्छा, पता नहीं वो कंपनी चले गए थे, इनसे वो बोला है कि मैं दवाई पिलाने ले चलो, हत्या इन्होंने कहा। ये कौन है जिन्होंने हत्या की आपसे? ये हमारे बगल में कमरा लिए थे। देखिए, 17 अगस्त 2020 को एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या नरसेना थाना क्षेत्र के पाली आनंदगढ़ी गांव में हुई थी, जहां मृतक का शव मिला था। गले पर कटान के निशान थे, धारदार हथियार से गला काटा गया था। गिरफ्तार जो महिला है ये बंगाल की रहने वाली है, बिहार की रहने वाली है, और इस महिला के संबंध मृतक से थे, जिसके साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। उसके साथ मृतक जयपाल से जब इसका संबंध खराब होने लगा तो इसके जीवन में दिनेश ठाकुर, जो गिरफ्तार अभियुक्त है, ये संपर्क में आया। ये दिनेश ठाकुर के साथ रहने लगी और इसी उद्देश्य से, इसी विवाद के कारण उसकी हत्या जयपाल की इन लोगों के द्वारा की गई। ये करप्टर